कद से वे बेशक छोटे थे पर वह बहुत बड़े व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करेंगे साथियों संक्षिप्त में। एक ऐसा नाम जो देश के लोग वर्तमान स्थिति में अपनी यादों से उनको धुंधला करते जा रहे हैं। वे बहुत लोकप्रिय हुए, कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। 2 अक्टूबर सन 1904 पिताजी के उपरांत जाने के उपरांत माँ ने अभाव के बीच में इनका लालन पालन किया। गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ बढ़ गए साथियों। लाल बहादुर शास्त्री कर्मठ, त्यागी, देश के लिए समर्पण का भाव रखने वाले व्यक्तित्व थे। 1964 में जब प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद, तब देश कई समस्याओं से जूझ रहा था, कई परेशानियों से देश सामना कर रहा था। देश भूख से जूझ रहा था और पाकिस्तान उस समय आंखें दिखा रहा था। पाकिस्तान सुरक्षा मोर्चे पर सवाल खड़े कर रहा था। इन सभी परिस्थितियों में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इन सभी समस्याओं से दूर किया। जी हां साथियों, जय जवान जय किसान का नारा ही नहीं दिया बल्कि इसे कारगर करके दिखाया। हम पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला, एक ऐसा व्यक्तित्व देश को मिला जिसके आज भी हम आभारी रहेंगे। और इसी प्रकार मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।